राइट करते हैं, देखते हैं नंबर 7 में क्या है। स्मॉल मशीन्स मेक अवर वर्क डैश, स्मॉल मशीन्स मेक अवर वर्क डैश। तो इसके 3 ऑप्शन हैं, आप चूज करें। डिफिकल्ट नंबर 2 पर है, इजी नंबर 3 पर है हार्ड। तो कौन सा वर्ड राइट आंसर में आएगा? इजी, वेरी गुड। तो इजी को हम करेंगे ब्लैंक में पुट करेंगे और क्या है कंप्लीट सेंटेंस, स्मॉल मशीन्स मेक अवर वर्क इजी, स्मॉल मशीन्स मेक अवर वर्क इजी। ओके, नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 में क्या है? द फ्यूल ऑफ अवर बॉडी इज डैश, द फ्यूल ऑफ अवर बॉडी इज डैश। तो हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल यूज होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? पेट्रोल, नंबर 2 पर गैस या नंबर 3 पर फूड। तो क्या होगा राइट आंसर? फूड, वेरी गुड। तो जो हम खाते हैं वो गिजा होती है, तो गिजा को हम फूड कहते हैं। द फ्यूल ऑफ अवर बॉडी इज फूड। तो स्टूडेंट, ये हमारे 8 MCQs कंप्लीट हो गए हैं और हमारा यूनिट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह अज़ीम। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत नीट राइट करेंगे आप और बहुत अच्छी सी राइटिंग में, और मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको अंडरस्टैंड भी हो गया होगा और तमाम स्टूडेंट ने बहुत केयरफुली इसका काम किया होगा। तो अब हम आते हैं डायरी की तरफ। ओके स्टूडेंट, ओके क्लास। तो ये है आज की डायरी हमारी साइंस की, क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस। और डायरी क्या है आपकी? लर्न एंड राइट MCQs यूनिट नंबर 7, लर्न एंड राइट MCQs यूनिट नंबर 7। तो ये था आज का आपका काम जो आपने मैम ने आपको बोर्ड पर करवाया है। इसको बहुत नीट राइट करना है CW कॉपी पर। और हमारा यूनिट नंबर आज कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी बहुत सारी नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने प्यारों का भी। और बहुत केयरफुली आपने पढ़ना है या स्टडी पर बहुत तवज्जो देनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।